हेलो फ्रेंड्स, मु सुस्मिता टेस्ट फैक्ट्री आज आपण मानी आउ गोटे रेसीपी नहीं आसी जोटी की पिला मानकर बहुत फेवरेट कप केक घरे तैयारी करी खाइबा और पिला मन को खुआइबारे गोटे अलग प्रकार आनंद थाए। चलंतु ताहले एबे प्रस्तुत करिबा आमर कप केक। कप केक पाई आमे गोटे कप मैदा, 1/4 कप दही, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/3 कप पाउडर सुगर, 1/2 कप मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर आउ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा नेबा। मुठी किछि कटा काजू आउ चेरी रखी, तापरे 1 स्पून विनेगर आउ 1/2 स्पून वैनिला एसेंस भी नबा। सिलिकॉन कप गुड़ी का मु सजाड़ी रखी। एबे गोटे बोल रे आमे मैदा, बेकिंग पाउडर आउ बेकिंग सोडा को नहीं ताकु भल भाव छाणी दबा। आउ गोटे बोल रे हमें रिफाइन ऑयल, पाउडर चीनी आउ दही को ऐड करिबा। ताकु मिसाई भल भाव फेंटिबा, 2 मिनिट खंडे भल भाव फेंटिबा। तापरे सेथिरे 1 स्पून विनेगर, 1/2 स्पून वैनिला एसेंस पकाई आउरी भल भाव फेंटी नबा। आमे जो क्षीर नहीं थिले सही थरु अधा पकाई आउ थरे टिके भल भाव फेंटिबा। एबे मैदा को धीरे धीरे कम कम पकाई आमे ताको फेंटिबा भलरे। एबे आमे ओवन को प्री हीट कर देबा 180 डिग्री सेल्सियस रे 10 मिनिट्स पई ताको प्री हीट कर देबा। भल भाबरे आमे जो मिल्क नहीं थिले 1/2 कप सेथिरु किछि पकाई भल भाबरे ताको फेंटिबा। कट एंड फोल्ड मेथड रे एपरी भाव में सबुतक क्षीर पकाई भल भाव फेंटिबा। कंसिस्टेंसी जेपरी ये रबे आमे किछि काढ़ी कप्रे दबा। मन रखिबे जेपरी अधा बा अधारू अल्प टिके अधिका आपण दे पारिबे, काहे ना सेटा फुली कपटा पूरा फुल हो जीवो, सेथिपई किछि गैप रखिबा दरकार। कप गुड़िकर एबे तादरे काजू और चेरी पकाई ताकु भल भाबरे टैप करि देबे, ताहले एयर बबल रहिबनी आउ भल भाबरे फुली जीवो। वर्तमान आमे प्री हीट ओवन ऑलरेडी प्री हीट हो जाइछि, केक गुड़िक एबे ओवन रे रखिबा। से 180 डिग्री सेल्सियस रे टेम्परेचर थिबो आमे 25 रु मैक्सिमम 30 मिनिट भितरे टाइमिंग सेट करिबा। एबे देखंतु केक गुड़िक टिके टिके फुली आसिलानी, वर्तमान रेडी होगला केक। देखंतु केक गुड़िक केते सुंदर बाहरी आसुची, तार शेप भी बहुत बढ़िया हेची। देखंतु केक गुड़िक शेप बहुत बढ़िया हेची, बहुत सॉफ्ट भी हेची। एबे मु आपण को काटिकर देखाउची, बहुत सॉफ्ट हेची, काटिला बळ को जणा पडुची। भीतर देखंतु केते फ्लॉपी और स्पंजी भी हेची, पिला माने बहुत निश्चय एन्जॉय करिवे। आउ जदि भल लागिला मते निहाती आपण लाइक करिवे, आ मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नहीं।